मैं तुम्हें दस देना चाहना कि तुम भावें मता पास कर लो तो जो मर्जी कर लो ना। इन्होंने जो असी 50 किलोमीटर वाला बना के भेजा से इन्हें बिल्कुल कंसिडर नहीं किया ना कि होम मिनिस्टर जा चीफ मिनिस्टर उस वे नहीं बुलाया गया। उसके बाद वो तो पहला किसानी के उत्ते कितनी बार दो बार बना के भेज दिता, पहला भी भेज दे रहे हैं। इस करके इस गवर्नमेंट को कोई आस नहीं रखी जा सकती। सानू चाहिए कि इनू जे जाना ही है तो अपना जेड़ा 60-40 का जो 66 के पंजाबी सूबा बनिया सी वो सारा पेपर लैके सानू सुप्रीम कोर्ट वाल गृहमंत्री रहे हो, टैक्निकली भी इन चीज़ों ज़्यादा तरीके समझ सकते हो कि लगता है कि हुण बनेगा की निबड़ेगा की? कोई गल छोड़, जिहड़ी जिहड़ी बीजेपी गवर्नमेंट है फैडरल सिस्टम नू खत्म करना चाहुंदी है और उस पासे नू चले ने कि जिहड़े सेंट्रल जिहड़े कि वो किवें पावरफुल चाहिए सेंट्रलाइज करना चाहुंदे आ। जे सूबियां दे वध अधिकार खत्म किए तो हिंदुस्तान की जिहड़ी आजादी आ उहदे वजूद नूं खतम। इस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कान यह जरूर है कि पंजाब के लोगों को दिखाना कि अभी भी बिल पास करता ये नहीं, ये सानू कानूनी जिहड़ी आ उहदे ते ही प्रक्रिया से चल। बीजेपी कहती है कि मुलाजम खुश ने, कहते कि पिछली सरकार ने जे सत्तों पे कुछ दिता तां शायद मुलाजम। मेरी गल सुनो, मुलाजम जिहड़े ने उह खुश इस करके ने कि उत्ते मोदी साहब बैठे ने। चंडीगढ़ जिहड़ा इहदे ते हक पंजाब दा, पंजाब दे पिंड ही उजाड़ के कैपिटल बनाई गई सी और हमेशा स्टैंड लैंदे रहे हैं इहदे ते कि जिद्दां फाजिलका अबोर ये जिहड़े पिंड ने इन्हां नूं पंजाब च ही रहन दिता जाए। जिहड़ा एक कैपिटल पंजाबियों के नाँ पर बनी, पंजाब के नाँ पर बनी थी, उसके उत्ते किसी का भी कोई हक नहीं। जिस तरीके दे नाल केंद्र की मोदी सरकार पंजाब के हितों के उपर बार बार डाका मार रही है, उसकी लड़ाई है जिहड़ी वह भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी सरकार लड़ जा रही है, तो रेंदे सह तक अंतले सह तक पंजाब के हितों की लड़ाई है जी आम आदमी पार्टी की मानसा की सरकार लड़ती रही। लड़ना लड़ाई लड़ी है जो अच्छ कुछ हो रहा है वो इसे गल करके हो रहा है, क्योंकि हूं तक की 70 साल चाहे कांग्रेस अकाली दल बीजेपी जी की सरकार रही उन्होंने पंजाब के हितों की लड़ाई तो लड़ी नहीं, आपके सौदेबाजिया कर लेते हैं। अच्छ पहली बार ये हो जा रहा है कि पंजाब के हितों की लड़ाई है जी। दरवाजा खड़काओ अज तक नहीं खड़काया, मेरे कहने का मतलब है अज इन्होंने 3 दिन पहले नोटिफिकेशन की है, अज ही सैशन है जिहड़ा वह मान साहब ने बुला लिया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर चाहे लीगल तौर पर चाहे पोलीटिकल तौर पर चाहे संघर्ष के तौर पर जिस तरीके दे नाल भी पंजाब दे हितों की राखी करने की लोड़ पई वो भगवंत मान जी की आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब दे हितों की राखी कर रही है। झूठ प्रचार किया जा रहा है, कहते बहुत वधिया फैसला होया, कहते उन्होंने तो 3 काले कानून भी फायदेमंद लगते थे, उन्होंने तो BSF का दायरा भी फायदेमंद लगता सीगा, उन्होंने तो BBM वाला फैसला जिहड़ा वह भी फायदेमंद लगता है, उन्होंने तो सारा कुछ ही फायदे मंद लगता है। क्योंकि सुनता लो यार एक मिनट, क्योंकि वो पंजाब की गल थोड़ो करते हैं, वो तो उपरों जो उन्होंने मैसेज आ जाता केंद्र वालों भी तुम तोते वांगू रटी रटाई लैन बोल दो, वो तो BJP वाले तो उवें बोल देंगे ने। पहली गल तो सोचने वाली गल यह है कि ये ड्यूटी के मुलाजमान लाभ मिलिया, इहदा स्वागत करना चाहिए। इहदे नाल चंडीगढ़ के अधिकार के अंदर कमी कित्थों आई है? तुहाडे च पंजाब के अंदर यही ड्यूटी के मुलाजमान ने मंग करके पंजाब का पे स्केल लिया, अज आखिर क्यों ऐसी नौबत आ गई कि उन्होंने दोबारा केंद्र के पे स्केल में प्रेफरेंस दी है? विचार तो इस गलते होना चाहिए, तुसी करो ना 7वां पे कमीशन लागू, मुलाजमान दो ना वो सहूलत, क्यों नहीं दे पा रहे? केवल और केवल पंजाब के अंदर सच में दबाण लई भ्रम ते झूठ का सहारा लैण की आदत पै गई है। इहदे नाल चंडीगढ़ के अंदर पंजाब के अधिकार नूं किथे चोट पुज गई है? पंजाब का अधिकार चंडीगढ़ के उत्ते जिस तरीके का सी उस तरीके नाल हैगा, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा पंजाब के और चंडीगढ़ के मामले के अंदर उहदा स्पष्ट मत रहा कि चंडीगढ़ के अंदर पंजाब का जिहड़ा अधिकार है उहदी राखी लई असीं हमेशा लड़दे हाँ। भगवंत मान जी ने और आम आदमी पार्टी जी ने इस एक दिन का स्पैशल सैशन रेजोल्यूशन पास करने बुलाया, वो मैं शलाघा करता।
और कांग्रेस पार्टी ने ये ते अपने अपने विचार भी दते और आश्वासन दिता कि इस रेजोल्यूशन दे विच असीं तुहाडा पूरा साथ देंगे और जिथे तई भी तुसीं इस लड़ाई नूं लैके जाओगे पंजाब दे हितां लई कांग्रेस पार्टी किसे तो पिछे नहीं है। इस गल दा आश्वासन चंडीगढ़ तो शुरुआत है, फिर पानिया की गल होएगी, फिर होर बड़े मसले ने साढ़े जिन्हां बारे सानू वाटर टैस्ट किया गया कि असी सहने हाँ कि नहीं सहते, ये हुण सहन लड़ाई की आ। मुद्दा यह आ कि भारत सरकार BJP वेखना चाहती आ कि वाटर टैस्ट कर रही है छोटा जिहा सालो छड़ के कि असी बर्दाश्त करते कि नहीं करते।